नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। HW24 न्यूज पर आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। 3 दिसंबर मध्य प्रदेश में चुनावी स्थिति को स्पष्ट कर देंगे। मध्य प्रदेश में अगली सत्ता किसकी होगी, कौन पार्टी होगी जिसको मतदाता जनाधार देंगे। हमारे बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा के लिए स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी पुरोहित, जो कि 90 के दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और राजनीति की मध्य प्रदेश में दशा और दिशा दोनों का काफी नजदीकी से सोच समझ रखते हैं। आशुतोष जी, आपका स्वागत है। स्टूडियो में हमारे एक और साथी उपस्थित हैं, उमेश रेवलिया, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो भी मध्य प्रदेश की राजनीति, निमाड़ क्षेत्र की राजनीति को काफी नजदीक से उन्होंने देखा है और कई चुनावों में उन्होंने अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है जो काफी सटीक भी रहा है। हमारे दोनों साथियों का हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आशुतोष जी, मध्य प्रदेश में इस बार जो चुनाव रहा, विकास की भी बात कर रहे थे, राजनीतिक दल एक दूसरे को विकास को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था, लेकिन इन सब के बीच में कुछ डायरेक्ट मनी ट्रांसफर की कुछ योजनाएं बनाई दोनों मुख्य जो दल हैं, कांग्रेस और भाजपा ने। क्या समझते हैं मध्य प्रदेश में इस बार जो चुनाव हुआ है, विकास का मुद्दा कितना हावी रहेगा या ये डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर की योजनाएं बनाई है, लाडली बहना हो या महिला नारी सम्मान हो, मतदाताओं को कितना अट्रैक्ट करेगी? अनिल जी, मैं बताना चाहूंगा, ये जो 2023 का विधानसभा चुनाव अपने आप में अलग ही चुनाव देखा जा रहा है। मैं पिछले 90 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, हर चुनाव में सक्रिय रूप से जब खरगोन बड़वानी एक ही जिला होता था, मैं पत्रकारिता लगातार करते आ रहा हूँ। मैंने कई चुनाव देखे, लेकिन ये जो चुनाव आया, ये चुनाव अपने अपने अलग हटके आया। विकास की बात है तो विकास का मुद्दा तो रहा है चुनाव में, और दोनों प्रमुख दल, जैसे खरगोन बड़वानी जिले की बात की जाए तो दोनों प्रमुख दल, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, यही इनका ही वर्चस्व रहा है और इनकी सीधी सीधी टक्कर देखी गई। लेकिन ये जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। इसमें मुद्दे जो है विहीन है, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों राजनीतिक दलों ने अपना, जो चाहे कांग्रेस का वचन पत्र हो या भाजपा का संकल्प पत्र हो, जिस प्रकार से रेवड़ियां बांटी या लोगों को लुभाने का प्रयास किया जी, तो मतदाता पूरी तरीके से मौन दिखा है। और चाहे अपन 2018 के चुनाव की बात करें, 2013 की बात करें, अब मुद्दे अलग अलग आए हैं, लेकिन इस चुनाव में मुद्दों के साथ साथ व्यक्तिगत जो छवि है उम्मीदवार की वो भी रहेगी। और जहां तक आपने मुद्दों की बात की है, तो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक के रूप में माना जा रहा लाडली बहना जी, तो साथ में प्रदेश में सरकार के बदलाव की बयार भी एक मुद्दा है। तो अब ये कौन सा मुद्दा मतदाता के जहन में रहा है, और अभी जिस प्रकार से प्रदेश स्तर पर भी बात की जाए तो लोग बोलते हैं कि सरकार का बदलाव हो सकता है, कहीं कुछ अपने अपने अभिमत लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। 3 दिसंबर को ही ये तय होगा जब ईवीएम खुलेगी कि किस पार्टी की सरकार बन रही है। और बीजेपी का जो मास्टर स्ट्रोक था लाडली बहना, ये कारगर साबित हुआ है कि नहीं हुआ है, या कांग्रेस के जो मुद्दे थे विशेष रूप से वचन पत्र में जो लेके आए थे, जिसे 2018 में जो सरकार बनी थी तो उसमें प्रभावी माना गया था किसान कर्ज माफी को, अब कांग्रेस ने भी कई मुद्दे, जैसे अब बीजेपी 1250 रुपए लाडली बहना को दे रही है, तो कांग्रेस ने भी बोल रखा है कि हम 1500 रुपए नारी सम्मान योजना के तहत देंगे। तो अभी पिछले कई चुनाव हमने देखे पहले से पता लग जाता था, लेकिन इस बार जो है कांटे की टक्कर भी मानी जाए। तो इस बार तो आशुतोष जी एक मोल भाव की तरह हुआ है, किसी ने कहा कि मैं 2000 दूंगा तो उन्होंने कहा मैं 3000 दूंगा, तो एक तरह से जो राजनीति में ये मोल भाव का जो एक सिद्धांत लागू हो गया है मतदाता को आकर्षित करने के लिए, ये मतदाता की सेहत के लिए, प्रदेश की सेहत के लिए, आगे जो विकास है उसकी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है और क्या ये कितना फायदेमंद? बिल्कुल अनिल भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये किस दिशा में जा रही है, खुद मैं चिंतन कर रहा हूँ, मैं खुद सोचता हूँ, क्योंकि हमने कई चुनाव देखे, आपने भी चुनाव देखे, उमेश जी भी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी कई चुनाव देखे, उन्होंने कई समीक्षा करी, लेकिन ये चुनाव का जो ट्रेंड गया है, तो इस ये तो वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। भाई आज सीधे सीधे रेवड़ियां बांटी जा रही, सीधी सीधी बात की जा रही है, मतलब मतदाता को खरीदने वाली बात की जा रही है, जबकि
प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये जरूर है कि लोगों को मत का अधिकार, लोगों को जो अधिकार दिया गया उसके लिए प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है वो उसका कारण भी यही है। लेकिन जो वादे किए गए और सीधे सीधे पैसे देने की बात हुई है वो कहीं ना कहीं ये अलग ले जा रही है, और ऐसे में तो आगे भविष्य में ये हो जाएगा कि कोई गरीब व्यक्ति हो सकता है कि चुनाव ही नहीं लड़ पाए। बहुत सही कहा आपने कि ये जो आगे राजनीतिक भविष्य, जो प्रदेश का स्वास्थ्य, जो विकास है, उसको काफी हद तक नकारात्मक रूप से ये चीजें प्रभावित करती हैं। और मध्य प्रदेश ही कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है, लगभग देश में बहुत से राज्य जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं लेकिन फिर भी वो फ्री की घोषणा कर रहे हैं। उमेश जी, आपने पिछली बार भी हमारे साथ विश्लेषक के रूप में हिस्सा लिया था, आशुतोष जी आए थे लोकसभा में, आप लोगों की जो भी यहाँ पर विश्लेषण आया था वो काफी सटीक रहा। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को नतीजों की घोषणा होने वाली है और कौन सत्ता में आ गए पता चल जाएगा, लेकिन इस बार जो वोट का प्रतिशत बढ़ा है उसमें यह भी देखा गया है कि पुरुष मतदाताओं बूथ पर, पुरुष मतदाता और महिला मतदाता, इनमें बहुत कम अंतर रहा वोटिंग का, यानी महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। अब हम क्या माने कि ये बीजेपी लाडली बहना की तरफ करवट लेगा वोट या नारी सम्मान कांग्रेस की तरफ लेगा, क्या समझते हैं और क्या कारण रहे इनके बढ़ने के? पांडे जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे अश्वेल बताए कि लाडली बहना, अगर हम बात करें कि पिछले 2 महीने पहले की, 2 महीने पहले जब स्थिति ये बन रही थी, एक तरह से जो भी प्रेडिक्ट जो भी आया वो ये आया था कि कांग्रेस निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस आ रही, लेकिन कमलनाथ जी की कहीं ना कहीं ये गलती रही कि उन्होंने 2-3 महीने पहले ही अपनी योजनाएं खुलासा कर दिया और उसका तोड़ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निकाल लिया लाडली बहना के रूप में। लेकिन एक बात ये जरूर है कि इस बार जो मतदान हुआ है, जो बहुत ज्यादा मतदान हुआ, मतदान अधिक होने से अब हम श्योर नहीं कह सकते कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, क्योंकि देखिए लाडली बहना से अगर बीजेपी को फायदा हो रहा है तो ओपीएस से सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हो रहा है, तो फायदा भी हो रहा है नुकसान भी हो रहा है। अगर ओपीएस चलता है और लाडली बहना भी चलता है तो दोनों अगर होते हैं तो आप स्पष्ट नहीं कह सकते कि हाँ, क्योंकि भाजपा जो है आखिरी समय तक ओपीएस का तोड़ ढूंढ नहीं पाई जी, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बीजेपी का कि अगर ओपीएस नहीं कर पा रहे। अब देखिए आने वाले चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव आने हैं, अगर 5 वैसे भी 3 राज्यों में कांग्रेस ने ओपीएस कर दिया है, अगर मध्य प्रदेश में भी बाय द वे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और ओपीएस आता है तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान, बड़ा मुद्दा हो गया। मोदी जी चाह रहा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी और कर्मचारी बहुत नाराज है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप विधायक है, पार्षद है या सांसद है, अगर वो तीनों रहा है तो आप उसको तीनों पेंशन दे रहे हैं, लेकिन एक कर्मचारी एक अधिकारी जो 40 साल तक सर्विस किए जिसने, उसको आप पेंशन नहीं दे रहे हो। अभी पेंशन जो मिल रही है, मान लीजिए आपको कई कर्मचारियों को पेंशन 6,000-5,000 ऐसी बन रही है। हाँ जी, कॉपरेटिव बैंक के कर्मचारियों की पेंशन 500 थी जो अब जाकर के 1,000 या 1,500 रुपए हुई, कैसे करेगा? उसका तो पूरा जीवन उसने आपकी सेवा में खपा दिया और आप उनको बिल्कुल, आपने बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया, ये तो गलत बात है ना। तो इसका खामियाजा हो सकता है कि बीजेपी को भुगतना पड़े और आगे के चुनाव में। इस बार आपने देखा कि मुद्दे जो थे, आप मुद्दे लोकल के मुद्दे तो हट ही गए, अगर खरगोन की बात करें तो नर्मदा जल को लेकर कहीं कोई बात नहीं की गई, मास्टर प्लान की कोई बात नहीं की गई, ड्रेनेज को लेकर कोई बात नहीं की गई, बात क्या की गई, अगर बीजेपी ने कोई बात रखी तो मोदी जी का चेहरा। तो आप नेशनल इशू, अगर विधानसभा चुनाव में भी नेशनल इशू लाएंगे, जैसे कर्नाटक में आप लाए थे, आप हिमाचल में लाए थे, तो क्या हुआ? उसका नतीजा ये रहा ना कि सरकार चली गई। अगर ये रहा तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर लाडली बहना योजना चला तो हो सकता है कि बीजेपी कमबैक करे, लेकिन ये बात ये जरूर है कि इस बार कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे आशुतोष जी ने कहा कि चुनाव में भरपूर मतदान हुआ, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के, इस बार ये बात भी सही है कि महिलाओं ने, हमने यहाँ पर कई वार्डों में देखा कि मुस्लिम महिलाओं ने भी काफी मतदान किया। अभी मेरी कुछ एक दो लोगों से मुस्लिम मतदाताओं से बातचीत हुई जो अच्छा अनुभव रखते जी जी, उनका ये कहना था कि इस बार लाडली महिला जो है, मुस्लिम महिलाओं ने भी मतदान बीजेपी किया है। अगर ऐसा हुआ, वो फैक्टर अगर चलता है, उससे कहीं ना कहीं उसको फायदा होगा। आशुतोष जी, उमेश जी ने जो बताया कि
प्रदेश में विकास का मुद्दा कहीं पीछे रह जाता है जब इस प्रकार से सीधे आर्थिक लाभ की कोई घोषणाएं पार्टियां करती, जिसको हम एक रेवड़ी कल्चर प्रधानमंत्री स्वयं भी बोलते हैं। हम निमाड़ क्षेत्र की ओर आते हैं। निमाड़ में अधिकांश कृषक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, यानी हम ये कहें कि लोअर मिडिल क्लास ज्यादा यहाँ पर। तो उनको ये योजना जब उनके सामने आती है, ये पैसे वाली बात आती है, तो हम ये देखते हैं कि विकास से हट के जो कभी विकास विकास की मांग करा करे, जैसे हमारे खरगोन जिले में, बड़वानी जिले में रेल, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, ऐसे कई मुद्दे रहे, बुनियादी कई चीजें, इनको हम बुनियादी ही लेंगे क्योंकि आज यहाँ के कृषक वर्ग के जो बच्चे हैं वो इन चीजों के मोहताज है। उनको बड़े शहरों की ओर जाना, एक बड़ा अमाउंट खर्चा करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इस छोटे वर्ग को इस प्रकार की जो आर्थिक सहायता की योजना है, तो क्या आप नहीं मानते जहां विकास की राह टकराए क्षेत्र वो कहीं पिछड़ जाता है, और इसमें सबसे बड़ी गलती राजनेताओं की? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये जो ट्रेंड बदला है बहुत मतलब गलत है। जैसे हम लोग उन्होंने कवरेज किया अभी चुनाव प्रचार के दौरान, मतदान के दौरान लोगों का आक्रोश भी निकला। लोगों का ये कहना है कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने भी कई बार सवाल उठाए थे कि रेवड़ी कल्चर है, तो लोगों ने विशेष रूप से निमाड़ अंचल जो है कृषि बाहुल क्षेत्र है, किसान बाहुल क्षेत्र है, यहाँ लोग मेहनत कश लोग हैं, तो वो लोग चाहते कि विकास हो, मूलभूत सुविधाएं मिले, बुनियादी सुविधाएं मिले। कृषि कॉलेज आज खरगोन में नहीं, पिछले एक से डेढ़ दशक से लगातार मांग चल रही है, और उसको लेकर के दोनों पार्टियों ने ना तो अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है ना स्पष्ट रूप से बोला है। मेडिकल कॉलेज भी अभी उहापोह की स्थिति में झूल रहा है। अगर कांग्रेस आ गई तो वो महेश्वर जाएगा, अगर बीजेपी आई तो हो सकता है खरगोन आएगा, स्पष्ट कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है, मेडिकल कॉलेज को लेकर जब अभी हमारी बातचीत भी हुई थी, जी जी, जो दावेदार है तो जो पूर्व मंत्री हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय, उनने तो सीधा साफ सवाल बोला कि भाई मेडिकल कॉलेज तो वही स्वीकृत हुआ कांग्रेस के जमाने में स्वीकृत हुआ, अब कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी, कांग्रेस के वचन पत्र में है कि हम भाई मेडिकल कॉलेज, अब उन्हीं की पार्टी के, और जो हमारे स्थानीय उम्मीदवार है खरगोन जिला मुख्यालय के, और अभी जो उनका कहना नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मेडिकल कॉलेज खरगोन में ही लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है क्या होगा, मतलब विकास की बात की जाती है, अब ये जो चुनाव है अलग ही ट्रेंड छोड़ के गया, अलग ही मुद्दे लेके गया, और जहां तक स्थानीय मुद्दों पे सवाल होना चाहिए, जैसे उमेश जी ने भी बताया किसी मुद्दे पे चर्चा ही नहीं हुई, कोई मुद्दा ही नहीं उठाया, वचन पत्र संकल्प पत्र चला कि कांग्रेस ने अपना वचन पत्र को करा है और बीजेपी ने संकल्प पत्र के साथ साथ सनातन हिंदुत्व और अयोध्या में राम मंदिर और मोदी, मतलब मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा। पर मैं अनिल जी एक बात जरूर बताऊंगा कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक त्रुटि की है कि जिस प्रकार से पीएम मोदी को यहाँ ना विधानसभा चुनाव था, छोटा चुनाव है, यहाँ पर शिवराज सिंह को बैकफुट पे किया गया, पहले जो पहली जो सूची बीजेपी की जारी हुई थी उस दौरान जो बिल्कुल शिवराज जी को पीछे कर दिया था, लेकिन जब शिवराज जी ने थोड़ा सा आक्रामक रूप किया तो फिर बीजेपी ने उनको वो करा। इसको लेकर के काफी एक राष्ट्रीय स्तर पर मतलब एक बहस छिड़ी थी कि जिस राज्य मतलब 17-18 साल जिसने मुख्यमंत्री के पद पर भाजपा को संभाला, संरक्षण दिया, उस व्यक्ति को इस चुनाव में उन्होंने थोड़ा सा पीछे कर दिया, बैकफुट पर नजर आ रहे थे पीछे करने से, उनका जो टिकट भी है वो दूसरी या तीसरी लिस्ट में आया। जी नहीं, तो वही मुद्दा था कि शिवराज सिंह जी को जो बीजेपी ने पीछे करा, तो भाई एक तो मुख्यमंत्री का फेस नहीं था, इधर कांग्रेस के पास सीधा कमलनाथ आ रहे थे, और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो मैंने पत्रकारिता के जीवन में देखा है कि जितना संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, पत्रकारों खींचते कि आप उनको बोल दो कि हमको बाइट चाहिए या बात करना, तो वो जितनी जल्दी शिवराज सिंह संवेदनशील, तो जनता के बीच में शिवराज सिंह की अपनी इमेज है, तो वो इमेज का लाभ जो बीजेपी को लेना था भाई, भले ही अगर उनको मुख्यमंत्री बदलना है आगे करना, तो अभी तो चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ने की जो बात हुई थी, प्लानिंग हुई थी, पर जिस प्रकार से सब केंद्रीय बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया और एक अलग संदेश भेजने करा, तो हो सकता है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो चुनाव परिणाम आएंगे और परिणाम आने के बाद जो समीक्षा होगी, तो हो सकता है कि ये मुद्दा भी आए कि भाई शिवराज सिंह को बीजेपी ने जो पीछे किया था, बैकफुट पे किया था, भाई चुनाव लड़ने के बाद अगर केंद्रीय नेतृत्व चाहता शिवराज सिंह जी का ऊपर दिल्ली में उपयोग कर सकते थे,
और यहाँ पे वो कर सकते, लेकिन पहले ही जो कर दिया तो उसका भी नकारात्मक बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अशोक जी आपने सही कहा, मतदाता जब वोट डालने जाता है तो उसकी विचारधारा क्या होती है, किस कौन सा मुद्दा उसको प्रभावित करे और वो किस तरफ अपना वोट डाइवर्ट कर दे, ये कहा नहीं जा सकता। ये निर्णय 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। अभी हम मध्य प्रदेश में और विशेष रूप से निमाड़ में धर्म को लेकर इस चुनाव में काफी कुछ बोला गया दोनों पार्टियों की तरफ से, और दूसरी बातें भी हुई। खरगोन शहर जो है पूर्व दंगे को लेकर भी प्रभावित रहा, इस चुनाव में कितना प्रभाव डाला उन चीजों ने, इस पर हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल HW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का HW24 न्यूज मध्य प्रदेश के मेरा फैसला कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में आगामी 3 दिसंबर को चुनावी नतीजों को लेकर, और निमाड़ क्षेत्र में विशेषकर खरगोन जिला, बड़वानी जिला, इन जिलों में वो कौन से मुद्दे होंगे जो मतदाता को प्रभावित करेंगे, प्रभावित हुए हैं जिससे, और आने वाला जो निर्णय है वो उन प्रभावों को स्पष्ट करेगा। आज समय चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक आशुतोष पुरोहित, उमेश रेवलिया जी, आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में। उमेश जी, ब्रेक के पहले हमने जो चर्चा करी कि कौन से मुद्दे होंगे डायरेक्ट जो आर्थिक घोषणाएं कर रहे हैं, जिसको रेवड़ी कल्चर बताया जा रहा है, कि इनका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखेगा, लेकिन इसके साथ ही एक चीज और हुई है, जैसे भाजपा पे आरोप लगते रहे कि उन्होंने पुराने दंगे या जो भी घटनाएं हैं उनको वो उभार करके लाते हैं चुनाव में सामने, और हिंदू मुस्लिम का एक ट्रेंड जो है चला आ रहा है वो चुनाव में देखा जाता है, लेकिन इस बार ये हुआ है कि कांग्रेस कमलनाथ जो है वो काफी धार्मिक दिखे, काफी सनातनी मतलब होने का उन्होंने प्रयास किया, जिसका भाजपा ने उन पर इन चीजों को लेकर कई हमले भी किए। क्या रहेगा कमलनाथ की जो छवि उन्होंने अपने आप को एक हिंदू के रूप में, सनातनी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, कहां तक वो हिंदू मतदाताओं को या सनातनी जो एक बड़ा वर्ग है उसको प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि अमूमन कांग्रेस की छवि रही है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। देखिए, ये बात सही है कि जब भी चुनाव आते हैं तो धर्म युद्ध आ जाता है बीच में, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, और दोनों ले आते हैं। अब इस बार ये हुआ है कि पिछली बार चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को अब हिंदुत्व की ओर, मैं आपको रोकना चाहूंगा बीच में, खरगोन विधानसभा सीट पर भी रवि जी, खरगोन में जिस तरह खरगोन की हम पहले बात जी जी कि खरगोन में 1.5 साल पहले जो दंगा हुआ था उसको लेकर पूरे प्रदेश में सुर्खियों में रहा हमारा खरगोन। इस बार ये हुआ कि जैसे हमारे विधायक हैं रवि जोशी जी, उन्होंने भंडारे किए, काफी चीजें की, क्योंकि उनपे उस समय ब्लेम आया था कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके लिए तो ये रहा कि इधर से भी माइनस और उधर से माइनस। तो उन्होंने साल भर मेहनत की, भंडारे किए, तरह तरह के धार्मिक आयोजन किए, लेकिन एन चुनाव के वक्त में जैसे कि 2 वीडियो वायरल हुए तो उसको लेकर भारी प्रतिक्रिया, राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में चर्चाएं चली जी, राष्ट्रीय स्तर तक चला जाता। उसके चलते ये हुआ कि सनातन बाहर आ गया हमारे खरगोन में, जबकि ऐसा कुछ चुनाव से पहले सामान्य स्थिति, लेकिन जब सनातन बाहर आया तो वोट साधने के लिए जी, लोगों को साधने के लिए दोनों तरफ से बीजेपी वालों ने सनातन चलाया, दूसरी ओर से चूंकि अब इसमें ड्रॉपिक रही भाई के ये रहा। तो विधायक के समर्थकों ने भी उनके जो प्रचार माध्यम पे उसमें एक लंबी फेरियस्त दी कि उन्होंने कहां कहां किन भंडारे किए, उन्होंने कहां शोभाया था जी जी जी, और भगवा परिवेश में दिखे वो जी, जबकि रही भाई धार्मिक आयोजन में शामिल होते रहे, गंगा हाँ नेचुरली आते हैं जी, चुनरी यात्रा निकालते हैं प्रतिवर्ष करते, लेकिन कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करने को लेकर प्रयास किए गए। और
जो हमास को लेकर एक वीडियो जारी हुआ था जी। वो अब वैसे भी रही भाई को ये सोचना चाहिए था कि उस समय जो वोट बैंक है उनका, वैसे भी मुस्लिम वोट बैंक तो उनका ही है, कांग्रेस का ही है जी। वो बीजेपी की ओर सपोर्ट ज्यादा करता भी नहीं है, तो उनको साधने के लिए अगर आपने किया भी तो इस तरह बैन, मुझे नहीं लगता कि दंगे जैसे मामले को किसी को छेड़ना चाहिए था, या चाहे बीजेपी में चाहे कांग्रेस में। तो ये इशू पूरे जिले में रहा, पूरे सारी सीटों को प्रभावित कर रहा कहीं ना कहीं, तो फर्क तो पड़ेगा। अब हम प्रदेश की बात हम करें तो जिस तरह कमलनाथ जी जो छिंदवाड़ा से मामला चला था, हनुमान जी का मामला चला था, तो कांग्रेस ये बताना चाहती है कि हम भी हम हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों आप चुनाव के समय क्यों, अन्य दिनों में क्यों नहीं दिखाई देते? अन्य दिनों में आप, अब ये भी बात है कि सोनिया गांधी जी किसी राम मंदिर में आज तक नहीं गई, मतलब जहां पर राम जी की मूर्ति का भी 22 तारीख को जाना था वहां नहीं जा पाए। तो ये चीजें आप चुनाव के समय क्यों कर, चुनाव के पहले भी तो आप दिखा सकते ना। और ये उमेश जी, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो बीजेपी ने हनुमान वाली बात की थी, बजरंग बली, वो अपीजमेंट चल नहीं पाया। कांग्रेस लगता है कि उसी चीज को लेकर मध्य प्रदेश में उतरी और उन्होंने सनातनी को सनातनी वाला जवाब देने की कोशिश की, जहां तक मैं समझता हूँ। स्टालिन का जो बयान आया था जी, बयान तो पहले तो इस तरह का था, लेकिन स्टालिन के बयान के बाद कहीं ना कहीं सनातन को लेकर बीजेपी को फायदा तो मिला है, क्योंकि हिंदुत्व की जिस तरह से बात चली, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव में भी उसको फायदा हो, क्योंकि सिर्फ हमारे खरगोन ही नहीं पूरे प्रदेश में हिंदुत्व और सनातन का मुद्दा चला है। ये बात तो कांग्रेस भी स्वीकार करते हैं, जैसे आशु भाई अच्छे से बता सकते हैं। आशुतोष जी, धार्मिक जो बातें हो रही हिंदू मुस्लिम, ये हमेशा चुनाव में चला आया है। हम पश्चिम निमाड़ की बात करते हैं, खरगोन की जिले की 6 विधानसभा सीटें और 4 बड़वानी जिले की, क्योंकि लोकसभा लेवल पे ये पूरा क्षेत्र मिला हुआ है और एक ही यहाँ से संसदीय सीट है। सांसद की कितनी जिम्मेदारी रही इस चुनाव को, क्योंकि ये 6 सीटों पर अभी फिलहाल में एक सांसद ही थे जो भाजपा का प्रतिनिधित्व इस जिले में कर रहे थे। तो जो भी नतीजे आते हैं, हम उनकी अभी बात नहीं कर रहे, हो सकता है भाजपा के पक्ष में आ जाए, हो सकता है कांग्रेस के, या 50-50 भी हो सकते हैं, लेकिन 50-50 की संभावना कम बताई जा रही है इस बार। सांसद की आने वाले जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, तो मोदी के नाम पे ही लड़े जाएंगे, लेकिन गजेंद्र सिंह पटेल की जो निजी उनकी छवि है, अगर भाजपा को कोई डेंट लगता है तो इसके लिए कितने वो मतलब जिम्मेदार माने जाएंगे, हालांकि उन्होंने दौड़भाग की है। निश्चित ही ये जो चुनाव विधानसभा चुनाव 2024 में, जो लोकसभा चुनाव होना है उसके पहले सेमीफाइनल भी माना जा रहा है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो पूरे देश की नजर है कि भाई लोकसभा जो चुनाव होगा उस लोकसभा चुनाव में किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे। जहां तक निमाड़ की बात कर रहे हैं, तो निमाड़ की 10 सीटें खरगोन बड़वानी, हम खरगोन बड़वानी पश्चिम निमाड़, हाँ पश्चिम निमाड़ की बात करेंगे खरगोन बड़वानी में। और अभी जो सामने बात आ रही है कि सभी सीटों पे कांटे की टक्कर मानी जा रही है, और इसमें कई दिग्गज लोग लड़ रहे हैं, चाहे खरगोन की बात करो तो पूर्व मंत्री बालकृष्ण भाटीदार, चाहे बात करें कसरावत से तो पूर्व मंत्री सचिन यादव, सेंधवा की बात की जाए तो पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर है, बड़वानी की बात की जाए तो प्रेम सिंह पटेल है, तो सभी लोग कांटे की टक्कर में। तो ये जो चुनाव है, इस चुनाव में जो भी परिणाम आएंगे, तो अगला जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसका निश्चित ही असर पड़ेगा। और गजेंद्र जो सांसद हैं गजेंद्र सिंह जी हमारे, तो उन्होंने अपनी अपने तरफ से मेहनत तो करी है, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ते हैं उनका दावा रहता है तो उनके लिए भी जरूरी होगा कि भाई बीजेपी ये 10 सीट में अपने ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करें, क्योंकि 2018 में जब विधानसभा के चुनाव थे तो 2018 में जो खरगोन और बड़वानी जिले में परिणाम दिए थे, और विशेष रूप से खरगोन जिले के लिए, उसको लेकर बीजेपी को बहुत मलाल था, विशेष रूप से शिवराज सिंह चौहान को मलाल था, उन्होंने खुद आक्रोश भी प्रकट करा था कि भाई मेरे को यहाँ पर आप लोगों ने, मतलब अगर आप 2-3 सीट ही दे देते तो मेरी सरकार बन जाती। तो कहीं ना कहीं ये आगे वाले लोकसभा चुनाव पे परिणाम पर निश्चित ही प्रभाव डालेंगे, क्योंकि खरगोन
जिला है, यहाँ पर अगर अभी एक निर्दलीय थे, वैसे वो भी अब कांग्रेस में है, तो 6 ही सीटें कांग्रेस के पास थी, तो सबकी नजर खरगोन बड़वानी पे ही है, क्योंकि 10 सीटें होती है और 10 बहुत महत्वपूर्ण सीटें होती है। अगर यहाँ बीजेपी बढ़त हासिल करे या कांग्रेस बढ़त हासिल करे तो निश्चित ही उसका लोकसभा चुनाव प्रभाव पड़े। हाँ सही है, 2018 में जो मध्य खरगोन जिले का जो भी सीटों का जो समीकरण बदला, भाजपा का माना जा रहा है कि उसी कारण उसकी सत्ता नहीं बन पाई, पीएम किरण प्रकरण बाद में वो सत्ता में आए और पूरा उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। निमाड़ क्षेत्र में उमेश जी आपने, आशु भाई उमेश जी आपने सुभाष यादव जी के साथ भी काफी समय गुजारा है और उनको नजदीक से देखा है, उनकी कार्यशैली देखी है। ऐसा कहा जाता है कि निमाड़ में न भूतों न भविष्यति, उनके जैसा अभी तक कोई राजनेता नहीं हुआ। अगर हम राजनीतिक दलगत राजनीति से अलग हटके देखते हैं तो एक मंझे हुए और एक सर्वमान्य नेता रहे वो, उनके रहते कांग्रेस का वर्चस्व रहा यहाँ पर। उनके जाने के बाद उनके जो सुपुत्र हैं छोटे, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव, उनके बड़े भाई अरुण यादव पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं, वो कसरावत में सिमट के रह गए। एक धरोहर जो उनको मिली थी, एक व्यापक राजनीतिक उनको जो एक आकाश मिला था, उससे कहीं एक कोने में सिमट के रह गए। क्या कारण रहा उसका, राजनीतिक कोई दुराग्रह उनके सामने आया या वो अपने क्षेत्र में सीमित रहना चाहते? मैं अभी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि वो अपने क्षेत्र में सीमित रहता है। सुभाष यादव वो एक ऐसी शख्सियत थी, ऐसे राजनेता थे, आपने भी उनको बहुत नजदीक से देखा है कि क्षेत्र और जमीन से उनको बहुत लगाव था, जुड़ाव था, वो सीधे सीधे काम करते थे। अब सचिन यादव जी, अरुण यादव जी की राजनीतिक करियर चल रहा है, आगे उनका भी भविष्य उज्जवल दिख रहा है। जहां तक सचिन यादव का सवाल है, वो कसरावत नहीं, इस बार उन्होंने निमाड़ क्षेत्र में, मतलब उनका जो गृह क्षेत्र देखा जाए तो वो सभी 6 सीटों पर भी प्रचार करते नजर नहीं आए। स्टार प्रचारक हमारे, अगर निमाड़ की बात करें तो निमाड़, खरगोन की बात करें, खरगोन में स्टार प्रचारक के रूप में सिर्फ अगर सुरजेवाला जी को छोड़कर कांग्रेस से तो कोई आई नहीं, सिर्फ अरुण यादव जी के भरोसे ही था 6 सीट। और बीजेपी में जरूर ये जरूर रहा कि एक तो जैसे आपने गुजरात के मुख्यमंत्री आए थे शिवराज सिंह चौहान आए थे, जेपी नड्डा आए थे, लेकिन कांग्रेस से स्टार प्रचारक यहाँ नहीं आ पाए, इसका खामियाज है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि अरुण यादव जी जैसे कद्दावर नेता, वो उनको पूरे प्रदेश में होना चाहिए था, लेकिन वो ज्यादातर कसरावत या आसपास ही दिखाई दिए। तो ये भी है कि जिस तरह से सुभाष यादव जी जो जिस तरह जो कद्दावर नेता, उनके नाम से पूरे प्रदेश में वो जानते हैं, और वो जो विकास उस समय वो लेकर आए थे वो कहीं ना कहीं अभी तो कई सालों से दिखाई नहीं दे रहा है, जो तो बड़ी बड़े प्रोजेक्ट वो लेकर आए थे। अगर वो होते तो मैं समझता हूँ कि रेल का कम से कम सर्वे तो हो जाता। अभी नेताओं की ये स्थिति है कि हमारे यहाँ क्षेत्र में इतना बड़ा इश्यू है रेल का सर्वे तक नहीं करा पा रहे हैं आप, मतलब आपकी इतनी क्षमता भी नहीं है कि आप दिल्ली तक ये बात पहुंचा पाए कि हमारे यहाँ रेल का कम से कम सर्वे तो करा लें। रेल आना तो सपने जैसा हो गया कि निमाड़ के लोग बेचारे सपने ही देख रहे हैं, ट्रेन तक नहीं देखी। अब छोटी सी बात करें, हम खरगोन खरगोन शहर की जो पेयजल योजना है वो भी रेल जैसी होती जा रही है, अभी तक उसने ना पाइपलाइन पूरे डल पाए। शिवराज सिंह चौहान ने राधा वल्लभ ने कहा था जी जी, कि बस ये चुनाव होते ही आपके यहाँ पानी आ जाएगा, और अशु भाई ये 5 साल हो गए पूरे, 5 साल में अभी 6 साल हो गया, पूरा चुनाव भी बीत गया, लेकिन अभी तक नर्मदा जल लोगों के घर नहीं पहुंचा है। तो सिर्फ आप तो जब कोरे वादे कर रहे हैं ना भाई, आप धरातल पे तो दिखाओ कि आप पानी, नहरों से पानी जरूर पहुंच गया, लेकिन घरों तक तो पानी नहीं पहुंचा। आज भी अगर इस साल जो स्थिति बनी थी पानी की, अगर बारिश नहीं होती तो हाहाकार मच जाता, कहां से लाते पानी, क्योंकि हम तो जिला जगड़ा से भरोसा ही, वो भी नहीं भरा था, तो उस समय क्या हालत होगी कि हमारी 4 महीने पहले की बात कर रहे हैं, और वो तो ईश्वर की कृपा थी तो बच गए। सही कहा आपने, जो निमाड़ क्षेत्र में, हम खरगोन जिले को ले, खरगोन शहर को ले या निमाड़ क्षेत्र को ले, शासन की योजनाएं तो हैं लेकिन उनकी जो गति है वो इतनी कछुआ गति से वो योजनाएं चल रही हैं कि जब उनको पूरा होना है उस समय को छोड़ करके अतिरिक्त
आर्थिक बोझ वो डाल रही है प्रदेश पर, प्रदेश सरकार पर, और उन बोझों के कारण ना तो समय पे योजना पूरी हो पा रही है, हम नागरिक परेशान है, साथ ही प्रदेश के ऊपर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो राजनेता जो है इन चीजों से अलग हटके अभी उनकी सिर्फ एक ही सोच है, येन क्रेन प्रक्रेन किस प्रकार से सत्ता अपनी बनाई जाए, किस प्रकार से हम सत्ता में बैठे, बाकी बाद में देखा जाएगा। और जहां तक मैं समझता हूँ आशुतोष जी, लाडली बहना योजना हो या नारी सम्मान योजना हो, जब चुनाव में जो भी पार्टी आएगी उसके बाद जब वो क्राइटेरिया बताते हैं और उसके बाद वो जब मनी रिटर्न लेते हैं, तब मतदाता को ये लगता है कि छलावा क्या था, ऐसा होते रहा है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल सही बोल, जैसे कई किसानों की भी राशि डाली गई बाद में उनसे ली गई कि नहीं नहीं ये क्राइटेरिया में आप नहीं आते हैं, आवास योजना के भी पैसे डाले उसके बाद वापस लिए गए, नहीं नहीं ये इसमें क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हो, ये गलत है। तो उस समय मतदाता की क्या स्थिति होती होगी बताइए। आपने अभी बहुत अच्छी बात करी कि अभी एकमात्र लक्ष्य है कि सत्ता हासिल की जाए, उसके लिए जो कहना हो। पिछले हम 4 या 5 महीने से देख रहे हैं कांग्रेस ने कोई घोषणा करी, बीजेपी ने तुरंत कर दी कांग्रेस, मतलब मतलब कैसे भी सत्ता हासिल करना, मतलब विकास को तो भूल ही पीछे छोड़ दिया। अब आप हमारे खरगोन जिले की बात करेंगे, हमारे खरगोन जिले ने 6 सीट दी समझो कांग्रेस, है ना, कमलनाथ की सरकार वो गिरी, दुर्भाग्य रहा, मतलब शिवराज सिंह जी भी आखिरी साल में आए और आखिरी साल में आके उन्होंने झड़ी लगा दी कि हम लोग रहे कि ये कॉरिडोर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। पर जैसे अभी उमेश जी ने बताया, हमने खुद ने खबरें भी बताई, 5 के 6वां साल है आज नर्मदा का पानी का पेयजल लोगों को ही नहीं मिल रहा। आपने अभी योजनाओं के बारे में जो बोला, आज जो कमलनाथ जी स्कूली बच्चों को देने की बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी कि प्रत्येक गर्ल्स जो है अगर वो पास होती है तो उसको 10वीं में है तो उसको 11,000 देंगे, बॉयज को 12 देंगे, ये योजनाएं चलती रही। लेकिन अब यही रहा है, कांग्रेस आएगी तो वो कुछ योजनाओं का नाम बदल देगी, कुछ स्वरूप बदल देगी। कुल मिला के मतदाता जो है हर बार वोट देता है, हर बार विकास का सपना देखता है, अपने परिवार में अपने बच्चों के रोजगार का सपना देखता है, और ये चीजें कहीं दूर चली जाती हैं जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है। सत्ता में आने के बाद वो कहती है कि अभी तो हमको 2 साल लगेगा समझने में, इतने लंबे समय से ये राजनीतिक दल देश में, प्रदेश में और नगर निकायों में प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी उनको 2 साल जीतने के बाद 2 साल लगता है समझने के लिए, लेकिन जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको 1 मिनट नहीं लगता है घोषणा करने के लिए और मतदाता को आकर्षित करने के लिए। मैं आखिरी में आशुतोष जी, आप दोनों ने काफी विस्तार से ये चीजें बताई कि विकास और जो आर्थिक जो घोषणा है वो किस हद तक प्रभाव डालेंगी चुनावी परिणाम पर। अब हम एक छोटा सा एक विश्लेषण आपसे हम चाहेंगे खरगोन जिले की 6 सीटों को लेकर, हम एक एक सीट के आपसे बात करेंगे और हम आप दोनों से चाहेंगे कि संभावनाएं क्या बन रही है। भाई नतीजा जो आखिरी है वो तो मतदाता ने मत पेटी में बंद कर दिया और 3 तारीख को वो स्पष्ट हो जाएगा सभी के सामने, लेकिन हम एक थोड़ा सा हम एक विश्लेषण अपनी जो समझ है उसके हिसाब से हम एक संभावना व्यक्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवानपुरा सीट की, मैं आप दोनों से इस बारे में चाहूंगा, भगवानपुरा सीट की जहां पर पहले निर्दलीय रहे कांग्रेस के नेता थे केदार सिंह डाबर, इस बार वो फिर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भाजपा ने एक फ्रेश कैंडिडेट उतारा। निश्चित ही भगवानपुरा में जो है चुनाव काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही है, पर जिस प्रकार से निर्दलीय रूप में केदार डाबर चुनाव जीते थे और उसके बाद इस बार भी वहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में, तो कांग्रेस और भाजपा में सीधी सीधी टक्कर मानी जा रही, पर वहां जो निर्दलीय खड़े हुए हैं वो निश्चित ही उसमें 2 बीजेपी के लोग भी हैं, एक जेएस के भी हैं, एक कांग्रेस से भी, तो टक्कर हो गई है चुनाव में। लेकिन केदार डावर की संभावना है वहां की जनता ऐसा मान रही है, लेकिन अब वही सवाल आ रहा है कि मुद्दे क्या चले होंगे। अगर मुद्दा लाडली बहना चल गया होगा तो वास्कली चंदर वास्कली भी जीत सकता है, प्रदेश में बदलाव की बाहर है तो वो हो सकता है, तो कांटे की टक्कर के बीच में अभी अगर हम समीक्षा करें तो हम इसलिए भारी बता सकते हैं कि वो निर्दलीय जीते। अच्छा। लेकिन अब निर्दलियों की क्या भूमिका रहेगी, कैसे रहेगा, तो ये तो 3 तारीख को ही ईवीएम जब खुलेगा जब पता लगेगा, लेकिन पड़ला भारी। उमेश जी आप क्या कहेंगे भगवानपुरा सीट को लेकर? लेकिन ये जरूर है कि जो निर्दलीय जो जयस्य थे मोहन किराने, वो अगर
ज्यादा वोट लाते हैं तो निश्चित रूप से चंद्र सिंह वासकले जीत सकते हैं। चलिए अभी संभावना में ये भी है कि एक उस क्षेत्र में हम जब गए तो एक ये भी कही जाती है कि केदार भाई को पहले भी कांग्रेस से टिकट मिला था लेकिन तब वो हार गए थे, तो उनके लिए वो मतलब कांग्रेस का जो पंजा है वो लकी साबित नहीं। अब हम दूसरी सीट की बात करते हैं, उमेश जी सनावद। सनावद हम इन सीटों की पहले इसलिए बात कर रहे हैं कि सनावद में जो बड़वा माफ कीजिए बिरला जी जो लड़ रहे हैं वो पहले कांग्रेस के रूप में वो चुनाव जीते, उसके बाद वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ गए, उस सीट पर क्या होने जा रहा है? देखिए वहां अगर हम सीट की बात करें तो देखिये अभी वो फिर अभी भाजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं जी, दोनों गुजर हैं चूंकि नरेंद्र पटेल ताराचंद पटेल जी के सुपुत्र हैं, लेकिन जो ताराचंद जी का जो वर्चस्व था राजनीति में जिस तरह से उनका कद था वो नरेंद्र पटेल में उस तरह का दिखाई नहीं। ताराचंद जी काफी समय तक काफी समय से राजनीति सक्रिय राजनीति से दूर रहे हो, इसलिए एक तो टॉपिक ये है कांग्रेस का। दूसरा अगर लाडली बहना योजना वास्तव में यहाँ भी चलता है तो सचिन बिरला जी फायदे में रहेंगे, और सचिन बिरला अगर कहा जाए तो वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है व्यवहारिक भी है, लेकिन एक जरूर बात है कि वहाँ जो राजपूतों का वोट है वो संभवतः ना मिले। अच्छा। वहाँ कहीं ना कहीं नाराजगी है क्योंकि मानदाता में भी किसी गुजर उम्मीदवार को ही टिकट दिया गया। अच्छा। और यहाँ भी दोनों गुजर है और खरगोन में भी किसी राजपूत समाज से किसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो उसका असर यहाँ पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये कहा जाए कि सचिन मल्लड़ा का भारी रहेगा। आशुतोष जी वही वाली बात आ रही है क्योंकि ये सचिन बिरला जो है बीजेपी से में शामिल हुए हैं और गुजर राजपूतों की नाराजगी कोई असर डाल सकती है इस चुनाव तो, पर मेरे हिसाब से मतलब पार्टी की टक्कर तो मानी जा रही पर बीजेपी अपनी सबसे सुरक्षित छह में उसी सीट को मान रही। भीकन गांव में दो बार के विधायक कांग्रेस के झूमा सोलंकी जिनको सबसे सशक्त माना जा रहा है, सचिन यादव और झूमा सोलंकी मेरे हिसाब से जहां तक मैंने चर्चाओं में सुना है विश्लेषण में कि उनको मजबूत माना जा रहा है, उनके सामने फिर उन पिछली बार की पराजित वो एक बार की पराजित जो कैंडिडेट है नंदा ब्राह्मण है वो चुनाव लड़ रही है, और माना जा कुछ ये भी देखा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस को तकलीफ दे। आशुतोष जी आप क्या समझते हैं भीकन गांव सीट? आदिवासी बहुल सीट है भीकन गांव, और भीकन गांव में झूमा सोलंकी और नंदा ब्राह्मण में रोचक और दिलचस्प मुकाबला है, वहां भी निर्दलियों की भूमिका क्या रह सकती है, लेकिन सवाल वही आ रहा है कि मुद्दे क्या चले होंगे। इस बार बदलाव वाला मुद्दा भी है, लाडली बहना वाला भी मुद्दा है, तो अब ईवीएम खुलेगी उसके बाद ही क्लियर होगा, लेकिन टक्कर मानी जा रही है। पर झूमा सोलंकी ने भी तगड़े मतलब भले ही वो लगातार तीसरी बार प्रयास कर रही है एमएलए बनने का, उन्होंने तगड़े तरीके से चुनाव लड़ा और पिछले दो चुनाव की अपेक्षा बीजेपी ने भी एकजुटता से वहां चुनाव लड़ा, तो अब अभी फिलहाल में कुछ भी कह जाना वो नहीं है। हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, संभावना में झूमा सोलंकी मतलब ब्राह्मण के उससे मजबूत है, तो 2-1 का अभी स्कोर चल रहा है संभावना जो है खरगोन जिले की। एक अन्य सीट है कसरावद जहाँ पे कि सुभाष यादव का वर्चस्व रहा, उनका गृह क्षेत्र है वो, कई चुनाव जीते उन्होंने वहां से और उप मुख्यमंत्री भी रहे वहां से चुनाव जीत के, अब उनके जो छोटे सुपुत्र हैं पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नतीजा आ सकते हैं वहां पर? मुझे लगता है देखिए अगर हमने हमारा जो विश्लेषण है जिस तरह से आज हुआ कि कांग्रेस की सुरक्षित सीट सबसे ज्यादा अगर है तो वो कसरावद है, कसरावद सबसे सुरक्षित सीट है, तो इसका मतलब यही है कि सचिन भाई ज्यादा भारी है वहाँ पर, क्योंकि आत्माराम जी ने भी काफी मेहनत की लेकिन उनका उनकी अपेक्षा सचिन भाई भी है भी व्यवहारिक भी है और उनका चूंकि पैतृक उनको राजनीतिक वर्चस्व मिला है हमेशा, तो इसलिए वो और उनके साथ हमेशा अरुण भाई भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं फर्क तो ज्यादा पड़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस वहां पर काफी अच्छी मजबूत स्थिति अभी तक जो हमारे विश्लेषकों ने जो संभावना व्यक्त की जी। की बात है तो में क्या है कि सचिन यादव जीवन संपर्क रहा, उठले पाउंड में क्या करा है कि अरुण यादव
जी तो दिल्ली भोपाल कसराव सब दूर घूमते रहे, लेकिन सचिन यादव का पूरा फोकस कसराव नजर आ। कमलनाथ की जो सरकार, हम लोग भी वहां गए थे तो चर्चाओं में ये देखा गया कि किसी के यहाँ कोई दुख के क्षण हो या कोई खुशी की बात हो, वहां सचिन यादव हमेशा दिखते थे। कमलनाथ की सरकार में अगर कर्जा माफ पूरे मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ है, छिंदवाड़ा कहलाओ तो खरगोन जिले की कसरावत में हुआ, तो उसका भी एक लाभ मिलेगा। लेकिन आत्माराम पटेल भी बहुत सशक्त उम्मीदवार, क्योंकि आत्माराम पटेल को जो बीजेपी ने लगातार दो बार हारने के बाद पहला जो टिकट दिया इसलिए दिया कि वो सचिन यादव को अगर कोई टक्कर दे सकता तो आत्माराम पटेल ही दे सकता। पर अब वही मुद्दे वाली बात आ रही है, किस प्रकार के मुद्दे चल जाए, ये चुनाव मुद्दे के आधारित है भाई ईवीएम, क्योंकि अभी कोई बोल नहीं सकता। तो इसको क्या हम कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में डाल दें या कोई एक का पलड़ा भारी दिख रहा है? वो तो सचिन यादव, क्योंकि इसलिए कि कांग्रेस अपनी सबसे सुरक्षित सीट मार रही, जैसे उमेश जी ने भी बताया, और वैसे भी वो सबसे नंबर एक सीट बोलेंगे कि कसराव जीत रही कांग्रेस, कांग्रेस खुद भी दावा कर रहा है। अब पूरे जिले में जो सबसे ज्यादा बहुचर्चित सीट है वो है खरगोन, जिला मुख्यालय भी है ये, और रवि जोशी जो यहाँ से विधायक हैं वो एक बार बालकंस पाटीदार से चुनाव हार भी चुके हैं, और बाद में उन्होंने बालकंस पाटीदार जो पूर्व श्रम मंत्री श्रम राज्य मंत्री रहे उनको हराकर इस सीट पर कब्जा किया था। इस बार काफी सनातनी नजर आए रवि जोशी, हालांकि वो करते हैं धार्मिक आयोजनों में उनकी भूमिका रहती है, लेकिन जो प्रचार का एक तरीका था वो हिंदुत्व पे काफी वो आश्रित रहा, हिंदुत्व को लेकर दोनों टीम भाजपा और कांग्रेस मशक्कत करती। क्या लग रहा है खरगोन पे किसका पड़ा भारी होगा, क्योंकि अभी दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह शांत है। नहीं, खरगोन का जहां तक सवाल, पर ये फाइनल है जी, एक बार बालकृष्ण पाटीदार जीते उसके बाद रवि जोशी जीते जी, और उनको दोनों को मालूम है किस स्टाइल से चुनाव लड़ा जाता है, और दोनों बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ, मंजे हुए राजनीतिज्ञ। आज की तारीख में खरगोन जिले में जिला मुख्यालय की जो सीट है इस सीट के बारे में कोई भी दावा नहीं कर सकता, कांग्रेस ही अपने हिसाब से दावा कर रहे हैं, बीजेपी अपने हिसाब से दावा कर रहे हैं। ये तो 3 तारीख को जब ईवीएम खोलेगी जब ही पता लगेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और यहां भी मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि मुद्दे क्या चले, हिंदुत्व है, सनातन है, उसके बाद विकास के मुद्दे हैं, रवि जोशी की लोकप्रियता है, बालकृष्ण पाटीदार की लोकप्रियता है, मिलनसारिता है, जातिवाद है, तो मुद्दे आधारित ये चुनाव है। और ये जो सीट है इसके लिए अभी कोई हम किसी को ना कम ना ज्यादा आंक सकते हैं, लेकिन खरगोन की जो सीट है उसको 50-50 दर्शाया गया है, क्योंकि दोनों ही राजनेता जो हैं काफी मंझे हुए हैं और अच्छा वर्चस्व है उनका इस शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में। उसके बाद नतीजे क्या होंगे अंतिम निर्णय मतदाता 3 दिसंबर की मतगणना के बाद बता देगा। आने वाले जो भी इसके बाद के अन्य जिलों के नतीजे रहेंगे उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। अब एक अंतिम सीट बच जाती है महेश्वर। महेश्वर में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस की दिग्गज महिला नेत्री विजय लक्ष्मी साधो, जो जिनका एक लंबा राजनीतिक पारिवारिक जीवन रहा है, वो चुनाव लड़ रही हैं, और उनके सामने राजकुमार मेयो जो कि पिछली बार निर्दलीय लड़के दूसरे नंबर पर आए थे और पार्टी भाजपा ने उनको निष्कासित किया था, फिर पार्टी में लिया और टिकट दिया। क्या स्थिति रहेगी वहां पर? एससी बहुल सीट है जी, वो सीट ऐसी है अभी तो क्या कहा नहीं जा सकता, जैसे सुनील कहा कि भाई मुद्दे क्या रहे। लेकिन ये बात जरूर है कि साधु को लेकर तो उनके समाज के लोग हैं जी, उनसे बात की तो कहीं ना कहीं विरोधाभास रहा इस बार जी। हाँ जी जी, और अगर राजकुमार मेयो की बात करें उनका ये जरूर है कि पहले जो जिन लोगों को टिकट नहीं मिला था उन्होंने विरोध भी किया, रैली भी निकाली, बाद में जाके कहीं स्थिति में सुधार हुआ है। अगर हम देखें महेश्वर विधानसभा को, तो विधानसभा के लोगों ने विरोध नहीं किया, बीजेपी के लोगों ने विरोध किया, तो मैं नहीं समझता कि राजकुमार मेयो का सीधा विरोध था, तो टक्कर तो वहां भी आप कह नहीं सकते कि विजय लक्ष्मी साधो जीत ही जाएंगी या मैं जीत जाएंगे, क्योंकि मैं भी भारी हूँ। तो सीट को भी हम 50-50 मिले, तो वो 50-50 खरगोन और महेश्वर।
आने वाले जो कार्यक्रम है मेरा फैसला के, उसमें हम खरगोन जिले में 3 तारीख को क्या नतीजे निकलेंगे, मध्य प्रदेश के क्या नतीजे निकलेंगे, मतगणना को लेकर हम चर्चा करते रहेंगे। आज हमारे स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी पुरोहित, उमेश जी रेवलिया आए, उन्होंने कई सारी चीजों को लेकर के इस इन इन मतगणना को जो प्रभावित करेंगे, जो नतीजे आएंगे उनको जो प्रभावित करेंगे, उस पर चर्चा करी। आप स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, कहीं जाइएगा नहीं।